दिल्ली में पुलिस की गैंगस्टर से मुठभेड़ हुई, कुल 15 राउंड फायरिंग हुई, एक गैंगस्टर मारा गया और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। वैसे तो ये सिंपल से एनकाउंटर की कहानी है, लेकिन अब इसी कहानी पर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, रोहिणी इलाके में 29 अक्टूबर की अहले सुबह हुए दीपक के एनकाउंटर को लेकर उसके परिवार ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि बेगमपुर पुलिस ने 22 अक्टूबर को ही 4 युवकों के साथ उसे पकड़ा था। एक सप्ताह तक गुप्त जगह पर रखने के बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। दीपक के पिता का ये भी आरोप है कि पुलिस उसे छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांग रही थी और इसके लिए एक टीम उनके घर पर 2 बार आई थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच डीएम द्वारा की जा रही है। एनकाउंटर में मारे गए दीपक के पिता गंगा स्वरूप ने बताया कि दीपक पैरोल पर जेल से आया हुआ था। उसकी पैरोल खत्म होने के बाद वो जेल सरेंडर करने की बात कहकर घर से निकला था। हमें पता चला कि उसे बेगमपुर पुलिस ने 4 लड़कों के साथ पकड़ लिया है, लेकिन इसके बावजूद 2 बार दीपक को तलाशने के लिए पुलिस टीम उनके घर पहुंची थी। पकड़े गए सुमित सेठी ने जेल पहुंचने पर अपने परिवार को कॉल किया था। उसने बताया कि दीपक को उनके साथ पकड़ा गया था, लेकिन उसे अलग रखा गया था। पुलिस उसका एनकाउंटर करने वाली थी। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को बेगमपुर इलाके में गैंगस्टर दीपक का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। तब पुलिस का कहना था कि सुबह करीब 5 बजे पुलिस को दीपक के आने की खबर मिली थी। जब दीपक बाइक से मौके पर पहुंचा और उसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर मारा गया, लेकिन अब मारे गए गैंगस्टर दीपक के परिवार ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।